हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्लाइंग यूरोप। मैं हूं अनुकृति और मैं हूं स्वतंत्र। और हमारी तरफ से सबसे पहले आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं प्री होली सेलिब्रेशन इन आइंडोवन नेदरलैंड्स। यस, वैसे तो होली 25 को है लेकिन हम लोग आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज ही सेलिब्रेट करेंगे, आज ही रंगों से खेलने वाले भी है। यस, और आपको भी दिखाने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे नेदरलैंड्स में रह के इंडियन फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, अराउंड 300-400 पीपल है, सारी इंडियन कम्युनिटी के लोग सारे इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सारे कलर से खेलने वाले हैं। और स्पेशली कलर से खेलने के लिए हम लोगों ने ये व्हाइट अटायर चूज किया है, क्योंकि भाई जो कि नए है जो कि गंदे होने वाले हैं, बट इट्स ओके यार। राइट, तो केवल कलर से खेलने के लिए हम लोगों ने व्हाइट कपड़े पहने हैं और देखते हैं हम लोग इनको कितना बचा पाते हैं। हम लोग ज्यादा ही इंस्टाग्राम से इंस्पायर हो गए थे तो हमने सोचा कि हम लोग भी व्हाइट पहनते हैं। वैसे जैसे अभी स्वेटी ने बोला कि सिर्फ इंडियन कम्युनिटी नहीं है यहाँ पे डच लोग भी हैं, वो लोग भी यहाँ पे आए हैं, वो लोग भी काफी सारा खाना एंजॉय कर रहे हैं। और वो इसीलिए आते हैं ताकि उनको इंडियन खाना खाने को मिले और हमारी परफॉर्मेंसेस मिले। तो बाय द वे बहुत सारी परफॉर्मेंसेस भी होने वाली है, वो सारी चीजें भी हम रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे। yes. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें यार, आप लोग बीच में छोड़ दे तो ये बहुत गलत बात। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारे वीडियोस को शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। यस, तो चलो चलते हैं, परफॉर्मेंसेस एंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे और फिर कलर्स खेलेंगे। यस, तो जो कलर्स हम लोग खेलने वाले ना वो लास्ट में खेलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। बिल्कुल। इंडिया इज द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड वी स्टैंड फॉर इट। हम तो झोला उठा के चले, हम काले हैं तो क्या हुआ फिर भाले, हम काले हैं तो क्या हुआ फिर भाले, हम तेरे 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 काले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ फिर भाले। मिश्री के सारे रस ले गई है पिंजरे वाली मुनिया, आइए बजे कर लकड़ी वाली रे, मूछा वाला रे नवाब कयोर मंगेतर से आरो मिया Yeah!
खींचा खाचे नहीं हो रही है, कपड़ा फाड़ होली करूँ कपड़ा फाड़ के माहौल। Once again, happy holy guys. तो हम लोग का सेलिब्रेशन अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। लोग क्रेजी हैं अभी भी, बहुत पागलों की तरह लोग डांस कर रहे हैं और कलर्स खेल रहे हैं। मतलब हम लोगों ने ये जो है ना ये साफ कर लिया थोड़ा थोड़ा। मतलब हम लोग दिख नहीं रहे थे कैमरा में, ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों आप लोगों को डराए, इसलिए हमने थोड़ा क्लीन कर लिया, इसलिए हम थोड़े से प्रेजेंटेबल लग रहे हैं। वैसे अभी तक लोग पागलों की तरह होली खेले जा रहे हैं और ढोल पे और डीजे पे डांस किए जा रहे हैं। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ढोल पे डांस करें या डीजे पे, डीजे वाले का गाने पे डांस करें या ढोल वाले की ढोल की ताल पे डांस करें। और ढोल डीजे वाले को कंफ्यूज कर रहा है और डीजे वाला ढोल को कंफ्यूज कर रहा है, तो बस यही चल रहा है अभी। यस, और बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था। और जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया था ना वो भी बहुत अच्छे से किया था यहाँ पे, बाद में होली खेलना और सब कुछ मतलब वेल ऑर्गेनाइज था। लेकिन एंड करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप कमेंट्स में ये भी बताना कि इंडिया में आपकी होली कैसी बन रही है। ऑफ कोर्स यहाँ से अच्छी बनेगी और हम लोग इंडिया को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि यार फेस्टिवल में तो सबसे ज्यादा मिस करते हैं हम लोग। मैं तो अभी होके आई हूँ, आई एम नॉट मिसिंग। बट मैं जरूर मिस कर रहा हूँ। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की चीजें यहाँ पे सेलिब्रेट करते रहें और आप लोग भी इंडिया में सेलिब्रेट करो। और कमेंट में प्लीज जरूर बताना कि आप लोग की होली कैसी रही और आपको हमारी होली देख के कैसा लग रहा है कि नेदरलैंड्स में इस तरह इंडियन कम्युनिटी के लोग होली मना रहे। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट। और आप ये भी कमेंट करना कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हो, मतलब आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हो, कौन से जगह से हो आप। यस, और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी कमेंट्स है, उसका रिप्लाई कर पाए। यस, तो हैप्पी होली वंस अगेन गाइस। और हम लोग मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस। यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। एंड दिस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय दिल्ली बाजार टीम। तो मैं इन लोगों को यहाँ पे पकड़ के लेके आया हूँ। Meet Pallavi, she is the owner of Delhi Bazaar and Lalit, her husband. So, ये लोग यहाँ पे बहुत सारे events organize करते हैं, बहुत सारे festivals को celebrate करते हैं। तो आज इनसे ही जानते हैं, इनसे ही पूछते हैं कि ये लोग कैसे करते हैं organize और कैसे कर पाते हैं, क्योंकि जितना मुझे पता है ये सारे events organize करना इतना आसान नहीं है। तो इनसे ही जानते हैं ये लोग क्या करते हैं background में।
तो पल्लवी, मे बी यू कैन, वी कैन स्टार्ट विद यू एंड यू कैन टेल मी कैसी आपकी जर्नी रही और आप कैसे क्या करते हो। हाय एवरीवन, जैसे स्वतंत्र ने बोला, ये जो उसे क्रेडिट दिया वो क्रेडिट इतना हमारे लिए अकेले के लिए नहीं है, ये क्रेडिट जाता है हमारे वॉलंटियर्स को और हमारी टीम को और साथ ही साथ आइंडोवन के लोगों को जो हमको पिछले 3 साल से इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग इवेंट्स करें, वो लोग आए, वो लोग एंजॉय करें और हम लोग भी एंजॉय करें। जैसे हम लोग उनसे पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं और उसके हिसाब से वो लोग हमको फीडबैक दे के हमें पॉजिटिवली हमको आगे लेके जा रहे हैं। और अब हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए हैं जो मास्ट्रिक्ट, टिलबर्ग, नाइनबेगन, एम्स्टरडैम से भी आते हैं और अच्छा लगता है जो जब हम अपनी क्राउड देखते हैं 400+ और ऐसे लोग आ रहे हैं जो इजी नहीं है एक अकेले लोग को मैनेज करना। और जब हमने शुरुआत किया था स्वतंत्र, हमने ऐसा सोचा था कि हम एक तरीके से अपने इंडियन कम्युनिटी को, हमारी कल्चर को हम जितना आगे ले जा सके इस तरीके से हमने सोचा था। और अब ऐसा लगता है कि शायद हम कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा थोड़ा सा सक्सेस होता जा रहा है। और अब जो सबसे चीज हमें ज्यादा मोटिवेट कर रही है वो ये कि ना सिर्फ बहुत सारे रीजन से, बहुत सारे कल्चर से, सब कल्चर से, हिंदुस्तान के अलग अलग जैसे लोग अब हमारे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारी ऑडियंस में सूरीनाम से और तो और लोकल डच कम्युनिटी, बहुत सारे इंटरनेशनल्स हैं जो कि आते हैं और हमारे परफॉर्मेंसेस होने के बाद पल्लवी को मैसेजेस आते रहते हैं कि अब आपका अगला इवेंट कहाँ है, हम कैसे आपसे अगली बार जुड़ सकते हैं, हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि आपके इवेंट को हम और आगे और बड़ा शानदार बनाए। I really appreciate that, क्योंकि इंडिया से बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो चीजें मिस करते हैं यहाँ पे वो यही है कि यहाँ के फेस्टिवल्स, यहाँ का मतलब इंडिया के फेस्टिवल्स, वहाँ का फूड, इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे गोरे गोरे लोगों को देख के जो अपने देश वालों की जो याद आती है ना, तो वो इसी तरह की गैदरिंग से ही पूरी होती है। सो बहुत बढ़िया इस तरह की गैदरिंग से एक और बेनिफिट होता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे या तो डच बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं या फिर अपनी मदर टंग बोलते हैं, और कई बच्चे खाली डच और इंग्लिश ही बोल रहे हैं। तो इस तरह की गैदरिंग से बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है बच्चों को, क्योंकि वो थोड़ा समझ पा रहे हैं कि खाली हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, पूरा एज ए इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो बहुत अच्छा है जो हमने देखा अभी होली पे, बच्चे बहुत खुश थे परफॉर्म करते हुए। ये बहुत ही अच्छा पहलू है जो हमारे बच्चे जो हमारी भाषा में शायद हिंदी अब थोड़ा बोल लेते हैं, शायद डच और अंग्रेजी भी बोलते हैं, लेकिन अब वो हमसे पूछते हैं कि ये कौन सा रीजन है, ये किस तरीके की लैंग्वेज है, किस तरीके का म्यूजिक होता है, ये किस तरीके का डांस है। तो इससे एक हिंदुस्तानी कम्युनिटी, एक इंडियन कम्युनिटी, एक इंडियन कल्चर के बारे में उनके अंदर जो जागरूकता आती है, ये भी हमें एक तरीके से बहुत बहुत अच्छा पहलू दिखाई देता है। हम तरह तरह के डांस भी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि भांगड़ा हो गया, गिद्धा जो कि पंजाब से आता है, इसके अलावा बीहू, सांबलपुरी, ओडिसी जो कि एक बच्ची ने परफॉर्म किया था, सब अलग अलग स्टेट्स को तो रिप्रेजेंट कर रहे थे पर मिलके सबने बच्चों ने परफॉर्म किया। बिल्कुल, चाहे ये राजस्थानी डांस फॉर्म हो, चाहे हमारे क्लासिकल फॉर्म हो, कथक हुआ, चाहे भरतनाट्यम हुआ, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं और उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से इसे देखते हैं। और मुझे लगता है कि हर डांस ग्रुप, डांस फॉर्म का एक ग्रुप है, राइट? वो ग्रुप आके हम हमेशा, मुझे लगता है, वो इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं। हाँ, और वो लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं एक्चुअली, देखा जाए क्योंकि सब यहाँ पे वर्किंग है, राइट, और उनको अपना टाइम निकाल के वो लोग परफॉर्म कर रहे, प्रैक्टिस करते हैं वीकडे में, आफ्टर ऑफिस प्रैक्टिस करते हैं, तो सब काफी इंटरेस्टेड है परफॉर्म करने। हम उन सभी डांस ग्रुप्स को काफी अप्रिशिएट करते हैं। कोई रीजन को ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब पीपल फ्रॉम ऑल द रीजंस आर ऑफ कोर्स वेलकम, एंजॉय करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और जैसे जो हमारे पास सारे स्टॉल्स होल्डर्स हैं वो सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि क्लाउड किचन्स हैं या जो घर से अपना बिजनेस कर रहे हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू इंटीग्रेट इन द सोसाइटी, तो वो एक हमारा मेन आई वुड से यूएसपी है जो हम लोग सब साथ मिलके जो हम लोग करते हैं, तो काफी अच्छा रहता है। तो अभी आप क्या ला रहे हो, फ्यूचर में क्या करने वाले हो ये बताओ। फ्यूचर में अभी तक हम लोग खाली होली और दिवाली करते हुए आए हैं 3 साल से। लास्ट ईयर से हमने डांडिया ऐड किया
और जनवरी में हमने हार्वेस्ट सीजन ऐड किया जो कि अभी तक नीदरलैंड्स में किसी ने भी नहीं किया था। और जब क्राउड आया तो हम मतलब वी वर रियली सरप्राइज कि इतना क्राउड आया हार्वेस्ट सीजन में। और उस टाइम पे लोगों ने आके परफॉर्म किया और जो हमें फीडबैक मिला वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, तो बहुत पॉजिटिव था। तो होपफुली नेक्स्ट इवेंट हमारा डांडिया ही होगा अक्टूबर में। हार्वेस्ट सीजन मतलब संक्रांति, संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, बिहू, तो हमने सब मिलके किया था उसमें। हम दोनों ने शायद शुरुआत अकेले की थी, लेकिन अब अगर हम लोग इतना सक्सेसफुली इसको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं तो इसके पीछे हैं हमारे सारे साथी, हमारे वॉलेंटियर्स, और ये वॉलेंटियर्स बहुत तरीके से हमको हेल्प करते हैं, चाहे वो टेंट लगाने में हो, चाहे वो सफाई करने में हो, चाहे वो प्रिपरेशन का वर्क हो, चाहे सफाई करनी हो जबकि इवेंट खत्म हो जाता है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, और चाहे इवेंट के बाद गप्पे मारना हो, मैं भी उसमें एक वॉलंटियर हूँ। बिल्कुल। और मेरा मेन इसमें जो काम रहता है वो हम लोग कुछ म्यूजिकल शोज इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ लाइव बैंड परफॉर्मेंसेस रहती हैं, तो मैं उसमें मेनली उसको हैंडल करता हूँ और उसमें मेरा साथ देते हैं काफी लोग जो मेरे बैंड के मेंबर्स हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट ग्रुप है जो हमेशा हमें गाइड करता है, ये है आइंडहोवन में बहुत बहुत सालों से रहने वाले हमारे सीनियर लोग, इनमें से कुछ लोग तो शायद 30 और 40 साल से भी पहले से रह रहे हैं। ये सभी हमारे प्रोग्राम्स में ना सिर्फ आते हैं परफॉर्म करते हैं बल्कि समय समय पे हमें गाइड भी करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। नॉट टू फॉरगेट इंडियन एम्बेसी, उनके सपोर्ट भी हमारे काफी अच्छा रहा है, वो लोग हमेशा हमको आके हमें अप्रिशिएट करते हैं, हर इवेंट में आते हैं और कोई ना कोई इंडियन एम्बेसी को रिप्रेजेंट करता है हमें नीदरलैंड्स में। नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एम्बेसी हमारी डेनहाग में, हम लोग यहाँ रहते हैं, तो अगर जितना ज्यादा कनेक्ट बनेगा उतना ज्यादा यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यस, तो वो भी एक बहुत अच्छा लगता है कि जब एम्बेसी इन्वॉल्व हो रही है और लोकल हम लोगों के बीच में आके पूछ रही है और सब कुछ कर रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा मोटिवेशन हम लोगों के लिए है। तो ये थी पल्लवी और ललित के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ये किस तरह से यहाँ पे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे मैं आज के वीडियो में इन दोनों को ही लेके आ पाए हूँ, बट देर आर मेनी अदर वॉलेंटियर्स जो बहुत बैकग्राउंड में हेल्प करते हैं इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब सबको मैं लेके नहीं आ पाया, मे भी किसी और वीडियो में आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एंड आई थिंक दे आर द पार्ट ऑफ योर म्यूजिक ग्रुप ऑल्सो, राइट? बिल्कुल, ये सभी हमारे म्यूजिक ग्रुप का हिस्सा है और हमारा बहुत रेगुलर जैमिंग चलता रहता है, और जो जैमिंग है उसमें सभी क्षेत्रों की भाषाएं, सभी तरीके का म्यूजिक, चाहे वो इंडियन क्लासिकल हो, चाहे वो वेस्टर्न तरीके से हो, चाहे वो रॉक म्यूजिक हो, और ये सब हमारे अंदर की विविधताओं को दिखाता है, हमारी डाइवर्सिटी को दिखाता है, जहाँ पे हम सब लोग मिलके अलग अलग जगह से अलग अलग फ्लेवर लेके आते हैं। तो मैं अपने सारे साथियों को मिस कर रहा हूँ, लेकिन शायद अगली बार स्वतंत्र, हम शायद अगले जैमिन में अगली बार हम लोग ये भी सोच रहे थे कि अगली बार एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग आपको पूरी जैमिन दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग घर में इकट्ठा होते हैं और कोई गिटार बजा रहा है, कोई कहन बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी और वीडियो में कि हम लोग जैमिंग किस तरह से। और शायद ये थोड़ा बहुत बिहाइंड द सीन डाल देना, बिहाइंड द सीन में डाल दूंगा, और बाद में इस वीडियो के बाद में मैं ललित से हिंदी सीखूंगा जिस तरह की हिंदी के शब्दों का प्रयोग इस वीडियो में हुआ। वीडियो में क्या बोलते हैं, इस चलचित्र इस चलचित्र में किया गया है वो मैं जरूर। एक टाइम था जब मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाया, वो काम आता है। बट एनीवे, सो इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम लोग कुछ और नया चलचित्र और उस चलचित्र में कुछ संगीत प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कहते हैं मैं चला था, क्या नहीं, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आता के कारवा।